तो भाई धमतरी जिले के कुरुद में घर से करीब 8 लाख रुपए कीमत के गहनों की चोरी मामले में कुरुद पुलिस और साइबर सेल ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 3 आदतन चोरों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से चोरी के गहने भी बरामद हुए। साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 2 बाइक और इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन को जब्त किया। बता दें कि 6 जुलाई को कुरुद निवासी राजेश कुमार साहू के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में रखे करीब 8 लाख कीमत के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जिस पर तीनों ने चोरी करना स्वीकार किया। बहरहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दिनांक 6/7/24 को कुरुद थाना क्षेत्र में एक घर में हमें सूचना मिली कि बड़ी चोरी हुई है। इसमें रकम करीब करीब जो प्राथमिक द्वारा बताई गई वो 8 लाख के करीब थी। उसके बाद में हमारी टीम द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी और करीब करीब 17-18 दिन लगातार मेहनत करने के बाद में सैकड़ों CCTV देखने के बाद में जिसमें हमारी टीम महाराष्ट्र भी गई, UP भी गई, नोएडा भी गई, हरियाणा भी गई, दिल्ली भी गई। जब इन सब जगह से जब पता था जी हुई तो पूरा खुलासा हुआ और इसमें अभी वर्तमान में हमारे पास 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और करीब करीब हमें जो रकम है जितनी भी चोरी हुई थी जितनी भी सामग्री हमें पूरी मिल चुकी है, प्राप्त हो गई है, इसको हमें जब्ती में लिया हुआ है।